गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हमने हीट की बात की थी कि हीट क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है और उस यूनिट में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ हीट इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हीट को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन स्टीम इंजन, जब भी हम किसी स्टीम इंजन में फैक्ट्रीज में देखते हैं, स्टीम इंजन में देखते हैं, तो उसमें क्या होती है, जो हीट एनर्जी ऑफ कोल को यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द हीट। ठीक है, जब कोल को यूज कर रहे हैं हम, कोल को जला रहे हैं, कोयला को, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोपेल द ट्रेन, किसी ट्रेन को चलाना है जो कि कोयले से चलती है, जब कोयले को जलाया जाता है तो वो हीट एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट हो जाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी को, जो कि हमारी ट्रेन को चलने में, धक्का देने में हेल्प करती है। ठीक है, इन ए स्टीम इंजन। ठीक है, नेक्स्ट है इन ए पावर हाउस। जब हम पावर हाउस की बात करें, तो पावर हाउस में हम जब कोल को जलाते हैं, बर्निंग करते हैं उसकी, तो उसमें जो हीट निकलती है, उसमें जो ऊष्मा निकलती है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें पावर हाउस चलाना है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, तो जो हीट एनर्जी जो कोयले को जला के मिल रही है, तो वो किसमें कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर होता है। ठीक है, हीटर से क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रिक हीटर में, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो हमें गर्मी दे रही है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, वैसे ही हम कार की ब्रेक्स जो होती है, इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कार की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू हीट एनर्जी। जैसे ही हम कार को ब्रेक लगाते हैं, तो उसके ब्रेक पैड पुश टुवर्ड द डिस्क टू स्टॉप द कार। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, इसमें इस टॉपिक में क्या बताया कि किस तरह से हीट एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ ऊर्जा में किस तरह से कन्वर्ट होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो हीट को जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती हैं। जैसे कि हम बॉइलिंग वाटर की बात करें, कि किसी पानी को हम उबाल रहे हैं, ठीक है, स्टोव पे रख के किसी बर्तन में पानी को उबाल रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उस गर्मी के, तो इस टेबल से हम जानेंगे। ये है ऑब्जर्वेशन की, क्या नोट करते हैं हम और क्या इफेक्ट पड़ रहा है हीट का बॉइलिंग वाटर के ऊपर। ठीक है, और हम देखते हैं कि वाटर बिकम हॉटर। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने स्टोव पे पानी रखा है और वो उबल रहा है, तो हम देख रहे हैं वाटर बिकम हॉटर, कि पानी गर्म होता जा रहा है, तो उसके पे हम क्या इफेक्ट देखेंगे कि राइजिंग टेम्परेचर, जो उसका तापमान है, वो गर्म होने से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा हम ऑब्जर्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, जो वाटर का जो वॉल्यूम है, जो उसका स्पेस है, वो क्या बढ़ रहा है, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा हीट का, कि हम देखेंगे कि एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, एक्सपैंड मतलब फैल रहा है, इसमें ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड है स्टीम इज गिविंग आउट। ठीक है, जैसे ही पानी जो है उबलना शुरू हो जाएगा, तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टीम बनेगा, स्टीम में चेंज होएगा, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। वो था लिक्विड स्टेट में, पानी लिक्विड स्टेट में था, वो स्टीम बन के गैस स्टेट की तरफ जा रहा है, गैस बन रही है स्टीम से। ठीक है, पानी उबल रहा है, पानी लिक्विड स्टेट में है, पर जब वो स्टीम दे रहा है, तो वो किसकी तरफ जा रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है, चेंज इन स्टेट, वो कैसी स्टेट, गैस की स्टेट में चेंज हो रहा है। लास्ट हम देखेंगे वेजिटेबल्स इज कुक्ड। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो जब हम सब्जियों को बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है, गर्म होने से जर्म्स एंड बैक्टीरिया आर किल्ड। ठीक है, उसके अंदर जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है हीट का, इसकी जब हम सब्जी को पका रहे हैं, तो उसमें केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस से जो जर्म्स और बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि कोई भी सब्जी है, उसे अच्छे से पका के खाना चाहिए, कि बाय विद द यूज ऑफ हीट वी कैन किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम इट। ठीक है, किसी में अगर जर्म्स और बैक्टीरिया रह गए हैं वॉश के बाद भी, तो उसको अच्छी तरह से पकाने से वो जर्म्स और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हीट में हम ये देखते हैं, बाकी जनरल चीजें देखते हैं, जैसे आपने
देखा होगा कि जब हम समर सीजन में, गर्मी के सीजन में जब कोई इलेक्ट्रिक केबल को बिछाते हैं, तो उसी को ही हम उसी वायर को हम विंटर में देखें तो वो थोड़ी सी सिकुड़ी हुई होती है, समर में देखें तो वो फैली हुई होती है, थोड़ी पिघली पिघली सी लगती है। पिघली क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, उससे वो अपनी पोजीशन जो है एक्सपैंड मतलब फैलती है, ठीक है। जैसे विंटर आएगा वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। ये था इलेक्ट्रिक केबल के बारे में। नेक्स्ट, अगर हम कांच का गिलास लें, पतला सा कांच का गिलास लें, ठीक है, उसमें हम उबलता हुआ पानी डाल दें तो क्या हो जाता है? कांच के गिलास क्रैक हो जाता है। वो क्रैक क्यों होता है? क्योंकि कांच का गिलास में जब हमने पानी, गर्म पानी डाला, तो वो अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, उसकी दीवारों पे। अंदर तो वो दीवारें गर्म हो रही हैं, पर बाहर बाहर की जो ठीक है, कांच के गिलास की जो इनर वॉल है वो क्या जल्दी से गर्म होने लगती है। जैसे हम गर्म पानी डालेंगे किसी कांच के गिलास में, तो उसका जो अंदर की जो लेयर है कांच की, वो एकदम से गर्म होने लगेगी। बाहर जो बाहर की लेयर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो एकदम से गर्म और बाहर ठंडा, तो क्या हो जाएगा? कांच ब्रेक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें रेलवे ट्रैक्स देखें, तो रेलवे ट्रैक समर में एक्सपैंड हो जाते हैं और विंटर में वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। जो आयरन बिछाया होता है ना, वो भी जो गर्मियों में है वो अपनी पोजीशन थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है, फैल जाता है, और सर्दियों में वो सिकुड़ जाता है। ये ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, ये सब कंडीशन हीट के इसमें होती हैं, ठीक है। थैंक यू।